मतलब मैं उनको बहुत पसंद करता था। ही वॉज अ पॉलिटिशियन, रेगुलर पॉलिटिशियन, सोशलिस्ट, किशन पटनायक। सो बट ही वॉज अ रेयर पॉलिटिशियन, वेरी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की ऑनेस्टी बहुत जगह मिलेगी आपको, बहुत लोग मनी वाइज ऑनेस्ट हैं। आई थिंक इस देश में अभी भी 60-70% लोग मनी के सेंस में ऑनेस्ट हैं। घूस देते हैं, मजबूरी में देते हैं, उससे उनको बेईमान नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑनेस्ट है। लेकिन ये जो दूसरी तरह की ऑनेस्टी है, विचारों के लेवल पे ऑनेस्टी, वो हमने उनमें देखा। तो किशन जी बात करते थे सुंदर जीवन होना चाहिए, जीवन सुंदर होना चाहिए, और वो मुझे बहुत पसंद आया कि ये सुंदर जीवन क्या होता है, और उसको मैं स्टेपिंग आउट से जोड़ता हूँ। उस सुंदर जीवन मतलब ही डिंट हैव मनी, किशन पटनायक डिंट हैव मनी, यूज टू सर्वाइव ऑन, ही वॉज एम पी, और एम पी को बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं। मतलब एम पी कब थे, 62 में एम पी थे वन टर्म, तो 62 to 67, तो वो एम पी को भी बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, वो लिए नहीं तो उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन अगर आप उनके कपड़े देखेंगे ना, फटा हुआ थोड़ा वो रहता था, सिल लेते थे, लेकिन रहता था टसल सिल्क, चाहे 20 साल पुराना हो, हिज क्लोथ, हिज मैनरिजम्स, द वे ही वुड कैरी हिमसेल्फ, जैसे गुरु जी नो, आई डोंट नो यू सीन गुरु जी, देन लुक क्या मतलब स्टाइल, स्टाइल थी ना, स्टाइल था ना, कपड़े पहनने का स्टाइल, भाव भंगिमा का स्टाइल। तो सुंदर जीवन जो है वो अलग चीज़ होती है, उसका पैसे से बहुत कम संबंध है, एंड दैट इज स्टिल पॉसिबल आई थिंक, बट यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट इन ओवर हियर, नॉट सो मच आउट देयर। मैं सैमदोंग रिम्पोचे को देखता हूँ, अभी मैं गया वहाँ पे उनसे मिलने, डिड आई टेल यू दैट ही सेड दैट आई वॉज स्टेइंग समवेयर, तो ही सेड नहीं यहाँ मेरे बगल में आके गई है, तो उन्होंने वो तिब्बतियों का ही है, वेरी नाइस होटल, तो वहाँ उन्होंने मेरे को ठहरा, तो दूसरे दिन मैं पैसा देने गया तो बोले ना, तो उन्होंने दिया, व्हाट बिजनेस डज ही हैव टू पे फॉर मी, बट बिकॉज ही इज अ राजा नो, राजा की अगर मिलने आ रहे तो कहते ये है ठाट, कोई ये थोड़ी ना उनके पास बहुत पैसा है। दीजा भारत अपना भारतीय तरीका भी है, तो कई चीज़ें हैं जीवन सुंदर बन सकता है।